लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक चौंकाने वाली बात कहकर सबको हैरान कर डाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ये बयान अब खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने ही कांग्रेस पार्टी की गलती को स्वीकार करते हुए बड़ा स्टेटमेंट दे डाला। बता दें कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को अपनी गलती में सुधार लाने की सलाह भी दी है, साथ ही उन्होंने देश के संविधान को लेकर भी बड़ा दावा ठोका है। सुनिए आखिर राहुल के इस दावे के बाद खुद कांग्रेस के नेता क्यों हैरान है। हमारा जो मैनिफेस्टो है, क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है, अगर आपने मैनिफेस्टो को देखा है वो 90% को सपोर्ट करने वाला मैनिफेस्टो है, मगर सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी को भी आने वाले समय में अपनी राजनीति को बदलना होगा, ये करना पड़ेगा। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में भी ने भी गलतियां की हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी का होता हुआ ये मैं कह रहा हूं। दरअसल राहुल गांधी 10 मई को यूपी की राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को आने वाले समय में अपनी राजनीति में बदलाव लानी होगी। राहुल ने कांग्रेस की गलतियां भी मानी, हालांकि उन्होंने किसी भी गलती का जिक्र नहीं किया। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने आरक्षण समेत जाति व्यवस्था को लेकर भी बात की। गौरतलब है कि इस वक्त देश में धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा खूब गरमाया हुआ है। पीएम मोदी भी अपनी हर रैली में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में आरक्षण पर राहुल का हालिया बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। किसी को धमकी नहीं देनी, ये कहना, देखिए भैया ये हिंदुस्तान की सोशल रियलिटी है, इस देश में इतने दलित हैं, इतने आदिवासी हैं, इतने पिछड़े लोग हैं, इतने माइनॉरिटीज हैं, इतने गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, और ये जो लोग हैं इनकी इतनी भागीदारी है, मीडिया में इतनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट इंडिया में इतनी भागीदारी है, जुडिशरी में इतनी, इलेक्शन कमीशन में इतनी, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स में इतनी। आपने नोट किया है कि सीबीआई ईडी मुझे छोड़कर 55 घंटे मुझसे मतलब इंटरोगेशन किया। मैं 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्कशन में क्या हुआ। मैं बताऊं आपको क्या हुआ, बताऊं? मैंने ईडी के अफसर से बोला, ईडी के अफसर मुझे इंटरोगेट कर रहे थे, और मैंने उनसे बोला कि देखिए आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलत फहमी में हो, आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। चौबीस की डगर की बात करें तो राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट और यूपी की रायबरेली सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछली बार राहुल वायनाड सीट से संसद पहुंचे थे, वहीं अपनी परंपरागत सीट अमेठी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी को लेकर जनता की अदालत क्या फैसला सुनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।